आज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ, उसका नाम है स्टॉक लेवल्स। तो कॉन्सेप्ट का नाम है स्टॉक लेवल्स। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके सम्स भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टॉक लेवल्स में हम लोग डिफरेंट लेवल्स पढ़ेंगे और उसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहला लेवल है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल अभी रीऑर्डर लेवल का सिंपल मीनिंग होता है ऑर्डर कब देने का, मतलब अपना कितना लेवल हो गया तो अपने को ऑर्डर देना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। तो उसका डेफिनेशन, इट इज द लेवल एट विच फ्रेश ऑर्डर इज गिवन। ऑर्डर कब देने का, कब अपना स्टॉक उस लेवल पे आ गया तब ऑर्डर देने का, वो लेवल को बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। अभी इसका फॉर्मूला देखते हैं, रीऑर्डर लेवल, जैसे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ वैसे ही आप लोग लिख के लो। रीऑर्डर लेवल इक्वल टू, फॉर्मूला है उसका, इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अभी ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमम कंजम्पशन का मतलब है अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन बना रहे। प्रोडक्शन बनाने के लिए अपने को क्या है, रॉ मटेरियल लगता है। अभी रॉ मटेरियल अब तक का कितना सबसे ज़्यादा लगा है, मतलब अपना समझो हर एक हफ्ते हम लोग प्लानिंग करते हैं, कि इतना इतना प्रोडक्शन करने का है, तो कौन से हफ्ते में अब तक कितना ज़्यादा अपने को ये रॉ मटेरियल का क्वांटिटी कब और कितना ज़्यादा लगा है, वो है अपना मैक्सिमम कंजम्पशन। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये पीरियड रहता है दो ऑर्डर के बीच में, सबसे ज़्यादा पीरियड कौन सा है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। मैक्सिमम कंजम्पशन का क्वांटिटी और रीऑर्डर पीरियड का जो डेज रहेगा या वीक्स रहेगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम कंजम्पशन मतलब क्वांटिटी रहेगा और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड में डेज या वीक्स रहेगा। तो क्वांटिटी को डेज या वीक्स से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपको रीऑर्डर लेवल मिल जाएगा। ओके, उसके बाद अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का मतलब है कम से कम उतना स्टॉक अपने को हर टाइम रखने का है। कौन सा भी टाइम अगर हम लोग चेक करें तो उसके ऊपर ही स्टॉक होना चाहिए, उसके नीचे अगर गया तो जितना अपना प्रोडक्शन का टारगेट है उतना प्रोडक्शन हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं, इट इज द लेवल एट विच, स्टॉक शुड बी मेंटेन्ड
स्टॉक शुड बी मेंटेन्ड सो दैट प्रोडक्शन शुड नॉट बी स्टॉप्ड. प्रोडक्शन का जो टारगेट है वो हम लोग अचीव कर पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है. अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो गुड्स सेल कर पाएंगे क्या? तो प्रोडक्शन का जो टारगेट है वो किसी भी हालत में अपना स्टॉप होना नहीं चाहिए. तो उसके लिए कम से कम उतना स्टॉक का लेवल अपने पास होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम लेवल स्टॉप्ड. ठीक है, अभी उसका फॉर्मूला देखते हैं मिनिमम लेवल का. मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल. सबसे पहला जो ऊपर कैलकुलेट किया है वो लेने का, रीऑर्डर लेवल. रीऑर्डर लेवल से अपने को माइनस करने का है मल्टीप्लिकेशन इधर हम लोग माइनस करेंगे, एक ब्रैकेट डालो इधर. ये ऐसा ब्रैकेट है, ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं एवरेज या नॉर्मल कंजम्पशन. क्वेश्चन में नॉर्मल दिया रहता है, और अगर नॉर्मल नहीं दिया रहेगा तो आपको एवरेज निकालना पड़ेगा. एवरेज कैसे निकालते हैं? मिनिमम और मैक्सिमम को दो से डिवाइड करके. जैसे कल के लेक्चर में हम लोगों ने एवरेज स्टॉक देखा था, उसी तरह एवरेज कंजम्पशन और एवरेज रीऑर्डर पीरियड ये निकाल सकते हैं. तो एवरेज या नॉर्मल कंजम्पशन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवरेज या नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड से. एवरेज या नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसी तरह ये एवरेज रीऑर्डर पीरियड भी हम लोग निकालेंगे. एवरेज मतलब मैक्सिमम और मिनिमम का हम लोग एवरेज लेंगे. ठीक है, तो ये मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है. ओके, और तीसरा है मैक्सिमम लेवल. मैक्सिमम लेवल नाम से पता चलता है उसके ऊपर अपने को स्टॉक रखने का नहीं है. अगर उसके ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो पैसों का प्रॉब्लम आ सकता है. तो मैक्सिमम लेवल का मतलब है कम, ज़्यादा से ज़्यादा उतना स्टॉक रखो, उसके ऊपर मत रखो. तो इसका है इट इज़ द लेवल दैट स्टॉक शुड बी मेंटेन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मतलब स्टॉक का आप अगर बजट बना रहे हो तो उतना स्टॉक का बजट दिमाग में रख के आपको बजट बनाने का है. तो इसका जो फॉर्मूला है मैक्सिमम लेवल मैक्सिमम लेवल में सबसे पहला तो आपको रीऑर्डर लेवल लेने का है. अभी ये रीऑर्डर लेवल में आपको ऐड करने का रहता है रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब कितना क्वांटिटी ऑर्डर करने का, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा. रीऑर्डर क्वांटिटी ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, और उसमें से आपको अभी माइनस करना है. अभी इधर फिर से ब्रैकेट डालना पड़ेगा. अभी इधर मल्टीप्लाई करना है मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड. मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड.
तो ये तीन फॉर्मूले है और एक फॉर्मूला है एवरेज लेवल, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज निकालने का। चौथा एवरेज लेवल, तो एवरेज लेवल है, इट इज द एवरेज ऑफ मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल, इट इज द एवरेज ऑफ मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, दोनों के लेवल के टोटल को दो से डिवाइड करने का, एवरेज लेवल इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय टू। तो ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखने हैं, और इसको कैसे ध्यान में रखने का वो आइडिया भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, अगर आप फर्स्ट फार्मूला अगर ध्यान में रखोगे तो बाकी के फार्मूला अपने आप ध्यान में आओगे। तो लेवल है तो आपको ये ध्यान में रखने का है कि इधर मल्टीप्लीकेशन करने का है, क्वान्टिटी को पीरियड से मल्टीप्लाई करना है। फिलहाल इतना ध्यान में रखो, क्वान्टिटी को आपको पीरियड से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले फार्मूले में मैक्सिमम ले रहे हो तो कैसे रहता है, ये एक्चुअली उल्टा है। पहले सबसे पहला रीऑर्डर ले रहे हो तो रीऑर्डर में मैक्सिमम का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मैक्सिमम कंजम्पशन है और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है। तो बेसिकली ये एक फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, रीऑर्डर लेवल में दोनों मैक्सिमम है, सबसे पहला कंजम्पशन है और दूसरा रीऑर्डर पीरियड है, ये सबसे पहला आप ध्यान में रखो। उसके बाद मिनिमम लेवल जब आते हो तो मैक्सिमम के बाद इधर एवरेज आ रहा है, तो मिनिमम में एवरेज लेने का, मतलब आपको क्या करना है, रीऑर्डर लेवल में से एवरेज का मल्टीप्लिकेशन माइनस करना है। रीऑर्डर लेवल आपने पहले निकाला है तो ये इस ऑर्डर में आपको जाना है, सबसे पहले आपको रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है, उसके बाद मिनिमम लेवल, फिर मैक्सिमम। तो एक ऑर्डर रहेगा, पहले रीऑर्डर कब ऑर्डर देने का, तो उसके बाद मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर एवरेज। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला था आपका मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। उसके बाद आपको मिनिमम का कैलकुलेट करना है, मिनिमम में सबसे पहले आपको रीऑर्डर लेवल लेना है, रीऑर्डर लेवल में से आपको एवरेज या नॉर्मल का मल्टीप्लिकेशन, मतलब एवरेज कंजम्पशन को एवरेज रीऑर्डर पीरियड से मल्टीप्लाई करना है। तो मिनिमम लेवल आपके ध्यान में रहेगा, मिनिमम लेवल ध्यान में रखने के बाद अगला मैक्सिमम लेवल है, तो उसमें रीऑर्डर पीरियड है, रीऑर्डर लेवल है, रीऑर्डर लेवल में अपने को रीऑर्डर क्वांटिटी ऐड करना है, दोनों भी रीऑर्डर ऐड करना है। और अभी हम लोग ने मैक्सिमम यूज़ किया और एवरेज यूज़ किया, अब क्या बचा, मिनिमम बचा है। तो ऊपर मैक्सिमम लिया है, इधर मिनिमम लेने का, बस इतना ही ध्यान में रखो। तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस ऊपर मैक्सिमम लिया है, इधर मिनिमम लेने का, मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो ऐसे आपको ध्यान में रखने का, मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है, पहले इसमें माइनस करने का नहीं था तो पहले सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का था, दूसरे में माइनस करने का बढ़ गया, मतलब रीऑर्डर लेवल में से आपको ये माइनस करना है। रीऑर्डर लेवल में से एवरेज का आपको माइनस करने का है, और तीसरे में रीऑर्डर लेवल में रीऑर्डर क्वांटिटी ऐड करके बाद में आपको माइनस करना है, ठीक है। तो पहले में माइनस कुछ नहीं था, फिर दूसरे में एक माइनस आ गया, फिर तीसरे में दो आ गए, ऐसे थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं,
रीऑर्डर लेवल, फिर रीऑर्डर लेवल के साथ रीऑर्डर क्वांटिटी भी आ गया। और एवरेज का तो बहुत ही सिंपल है, मैक्सिमम में मिनिमम ऐड करने का और उसको ये दो से डिवाइड करने का, ठीक है। तो हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी पहला प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा और आपको अगला प्रॉब्लम सॉल्व करने का है, और भागने का नहीं है, भागोगे तो प्रेजेंट ही नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम जो मैंने आपको भेजा है, इन अ कंपनी वीकली मिनिमम एंड मैक्सिमम कंजम्पशन। तो जैसे मैंने बोला था आपको, मिनिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम कंजम्पशन दोनों भी क्वेश्चन में दिया है, 25 और 75, मिनिमम 25 मैक्सिमम 75 है। द रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी भी आपको क्वेश्चन में दिया है। द मटेरियल इज रिसीव्ड विद इन 4 to 6 weeks। अब ये रीऑर्डर पीरियड है, मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 6 है, तो सब कुछ आपको दिया है। और इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड इज 2 weeks, इससे कुछ लेना देना नहीं है। कैलकुलेट मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल ऑफ मटेरियल ए एंड ड्रॉ स्टॉक लेवल चार्ट। अब ये स्टॉक लेवल चार्ट और ये डेंजर लेवल अपने सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग ये चार ही कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला मिनिमम, मैक्सिमम रीऑर्डर, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज, ये चारों ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग ये रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करते हैं। तो अभी रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। अभी आंसर निकालेंगे। आंसर जो है, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, 75। 75 को हम लोग ने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, रीऑर्डर पीरियड 6 से। तो 75 को 6 से मल्टीप्लाई करके अपने को आंसर मिलेगा, 75 into 6, 450 आंसर। इतना इजी है, मेरे ख्याल से स्टॉक टर्नओवर रेशियो से भी ये इजी है, ठीक है। तो ये रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट्स? ओके, फिर अगला लेते हैं मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल है रीऑर्डर लेवल में से, आपको ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस करना है, ठीक है। तो इधर ये आएगा इक्वल टू, रीऑर्डर लेवल ऑलरेडी 450 निकाला है, और फिर माइनस करेंगे। अभी इधर एवरेज या नॉर्मल दिया नहीं है, तो नॉर्मल आपको निकालना पड़ेगा। नॉर्मल कंजम्पशन में आप एवरेज निकालेंगे, कंजम्पशन 25 और 75, तो 25 और 75 का एवरेज निकालना पड़ेगा आपको। तो इधर सबसे पहला जो आएगा 25 प्लस 75, इसको आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। ये रीऑर्डर पीरियड ये भी सेम है, 4 प्लस 6, उसको भी आपको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो फिर अभी आंसर आएगा इक्वल टू 450 में से हम लोग माइनस करेंगे, 25 और 75 का एवरेज आएगा 50, और 4 और 6 का एवरेज आएगा 3, सॉरी 5 आएगा 5, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया। 25 और 75 100 होता है, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 है, 4 और 6 10, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, तो 50 into 5 250 माइनस करना पड़ेगा,
तो ये 450 में से 250 माइनस करो तो आंसर आएगा आपका 200 यूनिट्स। तो इधर आंसर आपका आएगा 200 यूनिट्स, ऊपर भी यूनिट्स करके लिखना है अपने को, 200 यूनिट्स और इधर भी 450 यूनिट्स। कितना इजी है। ठीक है, अभी अगला है मैक्सिमम लेवल। इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम का ये मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। ठीक है, तो इधर रीऑर्डर लेवल आपने निकाला है ऑलरेडी, रीऑर्डर लेवल 450 है और उसमें आपको रीऑर्डर क्वांटिटी ऐड करना है। प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी है आपका, क्वेश्चन में दिया था रीऑर्डर क्वांटिटी 300 माइनस, अभी ये मल्टीप्लाई करना है। फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, मिनिमम कंजम्पशन 25 और 4 है, 25 × 4 ठीक है, तो ये आपका आएगा 750 में से 100 माइनस करेंगे तो ये आपका 650 आएगा, 650 यूनिट्स। ठीक है, और लास्ट में एवरेज लेवल, इजी है ना। मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2, कोई छोटा बच्चा भी सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, मिनिमम लेवल 200, मैक्सिमम 650, 200 प्लस 650 इसको 2 से डिवाइड करने का, तो 200 और 650 ये आपका 850 होता है, 850 को 2 से डिवाइड किया तो 425, तो इसका आंसर आएगा आपका 425। ठीक है, तो अभी अगला प्रॉब्लम आपको करने का है और कोई भी भागेगा नहीं।